उठो दोस्तों, उठो, उठो दोस्तों, उठो। ये मनुष्य जन्म यू ही गुजार दोगे? अरे करवट तो बदलो, जरा आंखें तो खोलो, देखो रात का अंधेरा चीर कर सूरज निकल आया है। पंछी अपने घोंसलों से बाहर आकर आसमानों की ऊंचाइयां नापने को बेताब हो रहे हैं। उम्मीदों की किरणें पेड़ों से छन छन करती धरती पर बरस रहे हैं। निर्मल पवन का झूला बनाकर हरियाली मस्त होकर झूम रही है। सब तरफ इतना उल्लास, दिन का कारवा फिर से नई उम्मीदें लेकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों उठो, क्या तुम अब तक नींद के अंधियारे में डूबे हुए सपने देख रहे हो? सपने नींद में देखे तो जा सकते हैं, मगर उन्हें पूरा करना हो तो मेहनत की पहाड़ियां चढ़नी पड़ती है। हाथों पर हाथ धरे रहने से किसी ने क्या पाया है आज तक? बड़ी बड़ी सल्तनें निकल गया है ये आलस। अगर यूं ही सोते रहे, आराम करते रहे, तो एक दिन वक्त की ऐसी आंधी चलेगी कि तिनके की तरह बहकर कहां उड़ जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। जागो मेरे दोस्तों, जागो, उठो, उठो और सोचो, क्या हो तुम, कहां हो तुम? क्या यूं ही दुनिया की भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो? उसी भीड़ में कहीं खो जाना चाहते हो? या भीड़ से ऊपर उठकर कुछ कर दिखाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? क्या सपने हैं तुम्हारे? और उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? और सोचो कि दिन का कितना समय टीवी मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो, और फिर भी सोचते हो कि एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। तो भैया माफ कर दो, ये तुमसे ना हो पाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कामयाब लोग कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि तुम कुछ नहीं करते, इसलिए। अगर एक बार तुम खुद को जीत लो ना, सोचो सोचो वो क्या बात है जो उन्हें कामयाब बनाती है। बुद्ध से लेकर आइंस्टाइन तक पढ़ोगे तो जानोगे उन्होंने अपनी जिंदगी का वक्त अखंड कर्म करते हुए गुजारा है। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को महान बनाती है। कर्म ही एक ऐसी चीज है जिससे कामयाबी का दरवाजा खुलता है। इस बात को पक्का समझ लो मेरे दोस्तों और उठो। आलस कैंसर की तरह फैलता है हमारे मस्तिष्क में। अगर वक्त रहते ही इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो ये हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और सामान्य से सामान्य, अति सामान्य जीवन जीने की राह पर छोड़ देता है, जिसका अंतिम पड़ाव मौत है। जी हाँ दोस्तों, मौत, अपने सपने की मौत। और जिसका सपना जिंदा नहीं होता वो जी कर भी मुर्दा ही होता है दोस्तों। इसलिए उठो। बुद्ध एक जगह कहते हैं, तुम वैसा ही फल पाओगे जैसा तुम कर्म करोगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य निर्धारित करता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म ही न करो तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं पाओगे, खाली हाथ रह जाओगे। अगर चाहते हो कि ये सब तुम्हारे साथ ना घटे, अगर नहीं तो तुम्हें जाना पड़ेगा आज अभी इसी वक्त, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठो दोस्तों, उठो।